हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वुमन गृहिणी। मैं हूँ उल्टी। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो मम्मी का शिफ्ट जो है ना आज लेट है, 11 बजे है। तो मम्मी गई है दूध लेने, तो चाय बनेगा। और सीबू यहाँ पे पोहा बना रही है। तो आज नाश्ते में हम लोग पोहा और गर्म गर्म चाय खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस चीज़ में भी लड़ाई हो गई। एक्चुअली सीबू को बटाना पसंद है पोहे में डाल के खाना, और मुझे मम्मी को शिंगदाना पसंद है, तो इसीलिए दोनों ही डाला जाएगा अभी पोहे में। तो हम लोग सोचे चलो सबकी बात मान लेते, तो दोनों डाल के बना लेंगे पोहा। तो इसी को पोहा बना रही है और मम्मी गई है दूध लेने। तो जल्दी से चाय भी बना के फिर नाश्ता कर लेते। मम्मी का 11 बजे शूट है, तो उसके मम्मी 10:30 बजे तक निकल जाएगी, तो आधे घंटे में पहुंच जाएगी। फिल्म सिटी यहाँ पे इसे मदार से तो सामने ही है, तो इसलिए तो हम लोग चलो जल्दी से चाय नाश्ता कर लेते। तो अभी 12 बज रहे हैं और मम्मी जॉब के लिए निकल गई है। बाबू को शॉप पे भेजे चिकन लाने के लिए, तो आज चिकन बनाएंगे हम लोग। और काफ़ी गर्मी भी हो रहा है, धूप मतलब बाहर इतना ज़्यादा कड़क धूप है कि 12 बज रहे हैं ना, और बहुत धूप है तो बहुत गर्मी भी लगा धूप है और स्वेटिंग भी हो रहा है। तो फर्स्ट पहला लंच बना लेते फिर आपसे बात करें। तो मैं अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते ना तो आंटी आई मुझे बुलाने के लिए कि माधवी बुला रही। तो माधवी किधर गई ना, तो उसको ना कुछ कोर्ट से नोटिस आया, तो मैं वही पढ़ रही थी। तो नोटिस में क्या लिखा है कि आपने 70,000 लोन लिया है और आपको 14,000 इंटरेस्ट भरना है, नोटिस का 1,500 रुपये चार्ज भरना है, और 86,300 समथिंग लोन भरना है। आंटी लोग तो पूरा शॉक हो गए कि हम लोग ने लोन लिया था, सिर्फ 35,000 का लोन लेते थे, और वो भी बैंक से ना एजेंट आता है, वो हर महीने 18 तारीख को लेके जाता है, और 2100 करके इसे हर महीने लेके जाता है। 5 जन मिलके ग्रुप, ऐसे लड़की औरत लोग 5 जन मिलके लोन लिए। तो आंटी को ही बोल रही कि मैंने तो इतना लोन लिया ही नहीं, और माधुर भी शॉक हो गई कि इतना लोन कैसे हो सकता है। और हम लोग को ये डर लग रहा था कि एजेंट वाले ने बैंक में पैसा दिया कि नहीं, कि हम लोग से लेके जा रहे। तो मैंने एडवोकेट के कॉल किया, उन वहाँ पे उनसे बात की, तो उन्होंने बोला आपका जो है लोन वो आप भर दीजिए, और बाकी जिसका नहीं भरा है जिन्होंने, या फिर उनके पास उनका नोटिस जाएगा तो उनको मीन्स क्रिमिनल केस, ऐसे चीटिंग उसमें लिखा है, क्लियर कट चीटिंग केस लिखा है। तो पूरा हम लोग डर गए थे उनसे बात किया एडवोकेट से। तो उन्होंने बोला आपका जितना है पे करना है भर दीजिए, और आंटी का सिर्फ 1 महीने का ही बाकी है। मतलब हम लोग फिर सोचे कि उधर से हम लोग डायरेक्ट बैंक में जाते हैं, उधर क्या है क्या हुआ है वो बात कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या लग रहा है ना कि जो हमारे से पैसा लेके एजेंट जो पैसा लेके बैंक में सबमिट करता है ना, उसी ने सबमिट नहीं किया, ये फेक वो फ्रॉड कर रहा है। हम लोग को वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीबू की फ्रेंड है ना, उसकी मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो पोस्ट ऑफिस में ना पैसा जमा करती थी, जैसे ना पर मंथ 2,000 जमा करते हैं ना, वैसे उसकी मम्मी जमा करती थी, लेकिन एजेंट आके पैसा लेके वहाँ पे पूरी चाली वाले उसके पास पैसा देते थे, वो पूरी चाली का पैसा लेके पोस्ट ऑफिस में ऐसे जमा करते थे। लेकिन कितने साल, 3 साल ऐसे ही चला, 3 या 4 साल। तो फिर बाद में पता चला कि आंटी जब पैसा निकालने गई तो वहाँ पे कोई भी मीन्स आंटी का कोई अकाउंट है लेकिन कोई पैसा नहीं है। मतलब उन्होंने उस एजेंट ने पैसा ही सबमिट नहीं किया, वो पूरा पैसा लेके भाग गए। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड किया पूरी चाली में वहाँ पे सब लोग। मतलब हम मिडिल क्लास है, और देखो अभी के जनरेशन फिर भी पढ़े लिखे, पहले की जनरेशन जो थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, 7 क्लास 8 क्लास, तो उनको उतना नहीं पता है। तो इन सब बैंक के बारे में ना ये सब उनको उतना नहीं नॉलेज होता है, तो इसीलिए वो लोग सोचते कि कोई लेके चले जाए जमा कर दे तो हमारे बैंक में तो पैसा आ जाएगा बस ऐसा। तो यही मुझे तब से मैंने बताया माधुरी को भी, और ये मुझे सिर्फ ने बताया था कि उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था। तो वही मैं आंटी को भी बता रही थी कि ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा बाई चांस कुछ हो गया, उनका तो लोन नहीं था, उनका तो सिर्फ जमा करना था, लेकिन इनका तो लोन है, और ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर बैंक वाले तो मतलब मानेंगे ही नहीं पहली बात, तो उल्टा इनके ऊपर ही केस हो जाएगा।
तो वही आंटी को बोल रही हूँ जल्दी से जाओ, और सारिका आएगी ना तो उसके बाद जल्दी से आप बैंक में जाओ, क्या हो रहा है आप देखो। और फिलहाल लंच बन गया है, तो आज तो चिकन लाया था, वही चिकन और भात हम लोग अभी लंच कर लेते। गुड इवनिंग एवरीवन, तो अभी बजे शाम के 7 और मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मैं और सारिका जा रहे हैं। एक्चुअली मेजो मामी है ना, उनके साथ मैं कल जाने वाली हूँ बुलबुली के घर पे, तो उनकी बेबी है, बुलबुली का एक बेबी है, तो उसके लिए मैंने कपड़ा नहीं मीन्स कभी मैं उससे मिली नहीं, फर्स्ट टाइम मिली, तो इसीलिए उसके साथ मिल रही, तो उसके लिए एक कपड़ा लेने वाली हूँ, तो इसीलिए कपड़ा लेने के लिए फ्रॉक लेना है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मामी ने फ़ोन किया था, तो मामी बुलबुली के घर पे जाने वाली है कल, तो इसके लिए बोल रही थी कि तू भी चलेगी। मामी बुलबुली भी फ़ोन करके आपसे बुलाई थी, तो मैं उसकी बेबी हुई है, बेबी गर्ल हुई है, तो मैंने उसको देखा नहीं है, अभी फ़िलहाल 4 साल की हो गई है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम मैं जाने वाली हूँ उनके घर पर अभी। और उन्होंने घर भी शिफ्ट कर दिया, पहले गोरेगांव था, तो अभी वहाँ से शिफ्ट होके पालघर में रहने चले गए, तो फर्स्ट टाइम मैं जाने, तो मैं उसकी मौसी होगी, तो इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए ना, तो मैंने सोचा चलो फ्रॉक ले लेती, तो इसीलिए फ्रॉक लेना, तो इसलिए मैं सारिका के साथ मार्केट जा रही हूँ। हम लोग दो दुकान में गए थे, वहाँ पे दो मीन्स कपड़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि खिलौना ले लेते, लेकिन वहाँ पे भी गई तो मतलब उस चीज़ मुझे लगा कि कलर दे दूँ या फिर मतलब कंफ्यूज हो जा रही थी, अभी तो 4 साल की है ना, तो कंफ्यूज हो जाती क्या दूँ क्या दूँ, तो मैं सोची चलो छोड़ो बच्चे लोग को फ्रॉक ही दे कपड़ा ही देती हूँ अच्छा लगेगा। तो फाइनली हम लोगों ने एक दुकान पे मिल गया, तो हम लोगों ने कपड़ा ले लिया यहाँ पे उसके लिए, तो वो घर पे जाके दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना हम लोग जब छोटे थे ना तब स्कूल से आते थे, तो यहाँ पे एक पाव भाजी मीन्स ठेला है, बहुत टेस्टी बनाते, तो वही इतने दिनों बाद आई थी, मैं बोली सारे को चलते जब हम खाते खाते, तो वहाँ पे थोड़ा अभी लाइन है तो इसी के लिए, तो हम लोग खाते पाव भाजी, बहुत टेस्टी पाव भाजी है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं बचपन में स्कूल से आती थी, तो तभी ये जो वड़ा पाव का ठेला है आंटी लोग का, बहुत ही यम और बहुत ही टेस्टी, इनका मोस्ट जो फर्स्ट क्लास डिश है वो है भजी पाव, पर उस टाइम पे नहीं था, तो मैंने वड़ा पाव लिया और सारिका और मायरा के लिए भजी पाव लिया। हम लोग बचपन से जब भी स्कूल से मैं चल के आती थी, तो मैं मोस्टली 1 रुपए का तभी भजी पाव था, तो बहुत ही टेस्टी लगता था, और उस पर आज नहीं था, तो इसलिए वड़ा पाव से ही काम चलाना पड़ा, पर आप ज़रूर यहाँ पर आना। अच्छा है ना ये जीन्स वाला टी शर्ट, उसके अंदर ये व्हाइट वाला टी शर्ट होगा, तो हाँ बचपन में से पहनाया भी नहीं, तेरा मुंह नहीं दिखा रही, टेंशन मत, कपड़ा इसलिए नीचे डाल, हाँ मुंह नहीं है तेरे, बस पैर है, हाँ अच्छा है ना, लेकिन ना मम्मी अच्छा है ना। ये देखो ये वाला ड्रेस लिया बुलबुली की लड़की के लिए, मेरी चॉइस, फ्रॉग ऐसा था ना सब जरी जरी, अच्छा नहीं लग रहा था, और गर्मी में ऑलरेडी, हाँ वही था गर्मी में ऑलरेडी, फिर खास ये हो जाएगा। और ये देख क्या क्या लिया मैंने, दालचीनी इलायची लवंग लिया है, और ये क्या बोलते गवार लाया, गवार गवार, मुझे गवार बहुत अच्छा लगता है। नहीं मम्मी मैंने फालूदा लाया है अपने लिए, यस ये केसर फालूदा है, तुम लोग के लिए कौन लाया है, क्यों मैंने इसलिए फ़ोन करके पूछा था कि मैं फालूदा ले लूँ, मैं नहीं दूंगी, तो फिर तुम लोग ने कुछ बोला ही नहीं कि हाँ हम लोग के लिए भी फालूदा लो, ऐसे तो फिर सेकंड बार फ़ोन करने का मतलब क्या है। हाँ ये आइसक्रीम भी बहुत अच्छे हैं, बाबू किधर, बाबू आने तक फिर गए, क्या 20 रुपए का आइसक्रीम है मम्मी, 20 रुपए का, जा ना उधर, सबका भाव बढ़ गया है, खाए नहीं हो कितने साल, 2 साल सबका भाव बढ़ गया है, ये रोज रिक्शे में जाते जाते खाते जा रहे हैं, देखा शिबू, मतलब सोच ले क्या है ये ना वही, और यहाँ पे शिबू माल बना रही है, ये पोल के नीचे उधर हाईवे के सामने, यस 10-10 रुपए का, 10 रुपए का मम्मी, कोई 10 रुपए का नहीं है, 10 रुपए का कितना खाएगी तू बड़बड़ी, लेके आना ठीक है, हम लोग फैमिली पैक खाएंगे, और ये मेरा ग्लास में डाल के खाती हूँ,
तो अभी जस्ट आए हूँ बाजार से, अभी फिलहाल 9:30 बज रहे हैं क्योंकि ये पूरा ये एरिया हम लोग घूमे थे यहाँ पे नहीं मिला 2-3 दुकान में, तो हम लोग पुष्पा पार्क के इधर गए थे। हाँ ऑफकोर्स, फिर पुष्पा पार्क के आगे गए थे, वहाँ पे स्कूल है एक मराठी स्कूल, वहाँ पे आगे गए थे। और बहुत ही अच्छा कपड़ा है ना, मैंने कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत क्लियर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस, अच्छा लगेगा उस पर। बस मुझे बस यही टेंशन है कि ये मतलब उसको हो जाए क्योंकि छोटा ना पड़ जाए, मुझे वही लग रहा है क्योंकि मैं अभी तक नहीं देखी हूँ ना उसको, अभी तक फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ, तो मुझे उसका हाइट भी नहीं पता है, फोटो से पता भी नहीं चल रहा है कि वो लंबी है कि ना, लंबी नहीं है वो शायद उतना, 4-4.5 साल की है ना, हो जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर से लेके आके फिर चेंज करना पड़ेगा। और ऊपर से वो पालघर रहती है तो मामी के घर पे फिर रख के जाना पड़ेगा। मैंने पूछ लिया कि अगर बाई चांस छोटा हो तो चेंज कर सकते। और मम्मी लोग के लिए मैंने आइसक्रीम लिया लाई हूँ, और मेरे लिए फालूदा लाई हूँ, केसर फालूदा, मुझे इतने दिनों के बाद फालूदा खाने वाली, मम्मी को बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो चलो मैं अपना फालूदा खा लेती हूँ गर्म गर्म। मम्मी इतना बाहर से आई हूँ ना, पूरा पसीना आ रहा है, इस गर्मी में थोड़ा सा ठंडा आइसक्रीम मिल जाए तो बस और क्या चाहिए। तो आज मैं माधुरी के घर पे डिनर करने आई हूँ, यहाँ पे मेरा चिकन और राइस है, यहाँ पे फिश बनाया माधुरी ने, बांगड़ा फिश, और ये सारिका के लिए स्पेशल चिकन, और यहाँ पे दाल, उसके साथ ये अलग सा उसके हस्बैंड के लिए सूखा मच्छी बनाया था, और यही हमारा डिनर है। तो हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं एक साथ, वो भी सारिका माधुरी के साथ, यहाँ पे हम लोग बहुत दिनों के बाद एक साथ डिनर करने आ रहे हैं। तो हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है, ऐसे बहुत दिनों के बाद हम लोग मीन्स माधुरी के घर पे जाके खाना लेके, फिर तीन जन माधुरी सारिका मैं तीन जन मिलके हम लोग ने आज डिनर किया। शादी के पहले ना हम लोग ऐसे बहुत बार, कभी वो लोग मेरे घर पे आ जाते थे, कभी हम लोग उसके घर पे आते थे, और ऐसे खाना शेयरिंग करके हम लोग खाते थे, सब अलग अलग टेस्ट करते थे। तो बहुत दिनों के बाद ये किया तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो डिनर कंप्लीट हो चुका है, पेट फुल हो चुका है, उसने भी चिकन और फिश बनाया था, मैंने भी, हमारा भी शिबू ने चिकन बनाया था तो वही खाए, बहुत खा लिया, पेट फुल हो गया। और फिर बाद में मैंने उनसे पूछा भी, जो सुबह का केस हुआ तो वहाँ पे बैंक में गए थे ना, तो उन्होंने बोला कि आपका लास्ट ही ये है इंस्टॉलमेंट है, वो आप पे कर दो तो आपका लोन क्लोज हो जाएगा। एक्चुअली वो क्या हुआ, पीछे बाजू 5 जन जो लोगों ने मिल के लिया है ना, तो उन लोग ने बहुत महीने का, किसी ने 7-7 महीने का नहीं भरा, किसी ने 8 महीने का नहीं भरा, और एक जन ने जिसने लोन लिया था ना वो ऑफ हो गए, तो इसकी वजह से उनका भी कितना पेंडिंग पड़ा है। तो उनको मीन्स सबमिट देना है कि डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करेगा ना, तो उनका वो फिर लोन जो क्लोज हो जाएगा, फिर लोन नहीं भरना पड़ेगा, तो एक ये अच्छी बात है। तो वो उनका भरना है, बस इनका नहीं है। तो आंटी फ्री हो गई, माधुरी भी वही बोल रही कि अच्छा बैंक में जाके पूछ रहे तो अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसे फेक आजकल तो बहुत कुछ होते रहता है ना, इसलिए मैं वही आंटी को सजेस्ट कर रही थी कि लोन लेना भी है तो आप बैंक से डायरेक्ट लो ना, किसी एजेंट के थ्रू लेने से अच्छा बैंक में जाके लो, वही बेटर है, राइट। तो अच्छा हुआ आंटी का और माधुरी का क्लियर हो गया जो भी प्रॉब्लम था। और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।